हेलो भाई, बढ़िया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बाइसेप वाली वीडियो डालूँगा, इससे आप अपना बाइसेप जो है वो ग्रो कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। सो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है, तो अगर आपको भी अपना बाइसेप ग्रो करना है तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नहीं किया है तो लाइक भी कर देना वीडियो अगर पसंद आया तो, और वीडियो देखने के बाद इस चीज़ को ट्राई करना और फिर बाद में कमेंट में आके बताना लाइक असर आया कि नहीं। वैसे असर तो आना ही चाहिए 100%। स्टार्ट करते हैं। सो जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इसे सिर्फ अपने बाइसेप में ही नहीं, अपने किसी भी मसल ग्रुप पे यूज़ कर सकते हैं। चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ आपको आपका वीक है या फिर स्टक हो चुका है, ग्रो ही नहीं हो रहा, उस मसल ग्रुप पे आप ये टेक्निक जो है ट्राई कर सकते हैं। सो ये प्लस पॉइंट है। ओके, सो आपको करना क्या है, पिरामिड ट्रेनिंग बोलते हैं इसे। इसमें आपको करना क्या है, अगर आप मशीन पे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो भी आपको पता चलेगा क्यों। आपको मशीन पे जाना है, आपको बाइसेप लगाने हैं जो नॉर्मल लगाते हैं कर्ल, सबसे हल्का वेट लगाना है, सबसे हल्का। स्टार्टिंग में ज़्यादा वेट मत लगा देना क्योंकि बाद में लगेगा नहीं। सबसे हल्का वेट पहली प्लेट लगा देना। पहली प्लेट लगाने के बाद आपको 50 रैप निकालने हैं, 50 रैप्स। और ऐसा भी नहीं कि 50 रैप निकालने तो धड़ 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 नहीं, एकदम जैसे आप नॉर्मल रैप निकालते हो वैसे ही आपको 50 रैप निकालने हैं। 50 रैप जैसे ही हो जाए, आपको बाइसेप और ट्राइसेप दोनों एक साथ ट्रेन करने हैं, तो 50 रैप जैसे ही हो जाए आपको दूसरी मशीन पर जाना है, वहाँ पर पुल्ली लगानी है, ट्राइसेप पुश डाउन जो भी कह लो पुल्ली यार, कि उसके भी आपको 50 रैप निकालने, सबसे कम वेट में 50 रैप निकाले। जैसे ही इसके 50 रैप हो जाए बिना रेस्ट किए वापस बाइसेप पे जाना है, एक प्लेट बढ़ानी है, 40 रैप निकालने हैं। टेक्निक फॉर्म एकदम सही रखना, हल्की फुल्की हो जाए तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं कि ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई, हल्की फुल्की में चलता है। 40 रैप निकाले, 40 रैप जैसे ही निकल जाए वापस जाओ ट्राइसेप पे, एक प्लेट बढ़ाओ, 40 रैप निकालो, फिर वापिस जाओ बाइसेप, एक प्लेट बढ़ाया 30, देन फिर ट्राइसेप पे भी 30, अगेन बाइसेप पे आया 20 रैप, एक प्लेट बढ़ा के, देन फिर वहाँ गए वहाँ पे भी एक प्लेट बढ़ाया 20 रैप, देन फिर यहाँ पे आए एक प्लेट बढ़ाया 10 रैप, वहाँ पे भी गए 10 रैप। अब 10 रैप निकालने के बाद अगेन आप वापिस बाइसेप पे आए, एक प्लेट कम किया और मैक्सिमम जितने रैप आपसे लगे, मैक्सिमम तो मैंने बोल दिया बट आपसे 10-15 इससे ज़्यादा लगने वाले हैं नहीं, ये जितने लगे लगाने हैं, वापस वहाँ जाना है ट्राइसेप पे, एक प्लेट कम करनी है, मैक्सिमम जितने रैप लगे लगाने हैं, वापस बाइसेप, एक प्लेट कम, मैक्सिमम जितने रैप, और वो भी फॉर्म ठीक करके आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं कि एकदम धड़ 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 धड़, फॉर्म और रैप नॉर्मली रखना जैसे करते हो भाई, स्पीड मत बढ़ा देना कि रैप निकालने तो स्पीड बढ़ा दी, नहीं। और अगेन आपको बैक टू अपने पहले वेट से आपने स्टार्ट किया था वहाँ तक जाना है, एक एक कम करते हुए दोनों पे मैक्सिमम रैप जितने आप लगा सको, एंड बूम टेक्निक खत्म। ये चीज़ आपको करनी है, मेक श्योर भाई जब जिस टाइम आप ये टेक्निक कर रहे हो रेस्ट बिल्कुल भी मत लेना एक्सरसाइज के बीच में। ये नहीं कि आपने 50 रैप निकाले, आपने 50 रैप निकाले उसके बाद आप थोड़ी देर रुक गए कि हाँ सांस ले लूँ उसके बाद ट्राइसेप मारूंगा, नहीं, 50 रैप निकाले उसी टाइम आपको जाके ट्राइसेप लगाने हैं, फिर ट्राइसेप के जैसे ही 50 हो जाए उसी टाइम आके बाइसेप लगाने हैं। अगर आप थक जाओ, क्योंकि आप थक ही जाओगे, तो आप थोड़ा सा मतलब एक दो सेकंड रुक सकते हो, लेकिन वेट उठाए होना चाहिए, मतलब वेट उठा हुआ ही होना चाहिए, ये ना हो कि वेट आपने पूरा ही ड्रॉप कर दिया फिर आप रेस्ट ले रहे हो, नहीं, वेट हाथ में हो, एक दो सेकंड रुके, सांस ली, फिर दोबारा, ये चीज़ तो हो गई। आपको रेस्ट नहीं लेना है, बैक टू बैक मारने हैं, 50 रैप, 40 रैप, 30, 20, 10, देन अगेन बैक टू जिस वेट से आपने स्टार्ट किया था उस वेट पे, ये चीज़ आपको करनी है। अब बात ये आती है कि ये चीज़ आपको करनी कब है और कौन से डे पे करनी है और कितनी बार करनी है। तो मंथ में एक बार, एक बार से ज़्यादा मत करना भाई, इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं, आपका मसल जो है वो ख़राब भी हो सकता है, टूट सकता है, ब्रेकेज हो सकती है, डैमेज हो सकता है, तो एक बार से ज़्यादा मत करना बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, मंथ में एक बार। और अगर आपको अपने आर्म्स पे करना है तो सबसे ज़्यादा असर ये तभी करता है जब आप लेग्स के बात करो, आपने अपना लोअर बॉडी ट्रेन करी है,
आपने अपर बॉडी छुई तक नहीं है, कुछ एक्सरसाइज नहीं हुआ है, उसके बाद आप तुरंत जाके बाइसेप ट्राइसेप यही कॉम्बो कर लो भाई, तब सही एकदम बढ़िया वाला पंप आएगा। तो और ऐसा भी नहीं करना कि जिस दिन आप बाइसेप मार रहे हो तो आपने सारी एक्सरसाइज मार ली, अब एक्सरसाइज के लास्ट में आपने सोचा कि आप ये भी ये वाली भी टेक्निक कर लेते हो, तो ये असर नहीं करेगा। पहले बता दूँ ये चीज़ असर नहीं करेगी कि आपने सारी एक्सरसाइज बाइसेप की मार ली फिर लास्ट में सोचा ये भी कर लेता हूँ, नहीं असर नहीं करेगा, वो वाला इफेक्ट आएगा ही नहीं। इसमें आपको मतलब मसल्स को पूरा एकदम शॉक कर देना है कि क्या हो रहा है। नॉर्मली आप 5-6-7 रैप पे रुक जाते हो फिर रेस्ट लेते हो, मान लें 12 मैक्सिमम 20 रैप, यार इससे ज़्यादा तुम क्या ही लगाते हो, 30 रैप उसके बाद आप रेस्ट लेते हो, उसके बाद ही नेक्स्ट सेट लगाते हो। बट यहाँ आप 50 रैप लगा रहे हो फिर लगातार, फिर 40 30 30 20 10 ऐसे करते हुए लगाते जा रहे हो, तो मसल काफ़ी शॉक हो जाता है कि भाई क्या हो गया, पागल पागल तो नहीं होंगे, नशे में तो नहीं कर रहा आज वर्कआउट, तो ऐसा कुछ सी सी में जाता है। तो इससे आपका मसल फोर्स हो जाता है ग्रो करने के लिए। सो ये टेक्निक आप कर सकते हैं, 100% भाई आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। मान लो अगर आप एक्सरसाइज करते हो बाइसेप नॉर्मली और आपका आधा इंच का पंप आता है, आपका बाइसेप 14 है और 14.5 तक आता है, तो इससे आपको आधा इंच से ज़्यादा ही पंप मिलेगा, मोस्टली एक या फिर एक से थोड़ा सा ज़्यादा मैक्सिमम जाता है, 1 इंच पंप मिलता है इससे, या फिर आधे इंच से तो ज़्यादा ही मिलेगा। आपका बाइसेप जितना आपका साइज है उससे आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, देखना आपको जितना आपको नॉर्मल अभी जितना भी साइज़ है उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये टेक्निक आप ट्राई करें, किसी भी मसल ग्रुप पे कर सकते हैं, या फिर आप ये टेक्निक ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जिम गए, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास आपको वर्कआउट जल्दी ख़त्म करना है, बट इंटेंसिटी भी जो है वो सही होनी चाहिए, तो आप ये वाली टेक्निक के साथ किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हैं, फटाफट ट्रेन हो जाएगा और अच्छी इंटाइम मतलब अच्छे से ट्रेन होगा। ये भी नहीं कि आपने कम टाइम में कुछ बेकार वर्कआउट किया, नहीं अच्छे से ट्रेन होगा, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। सो इतने था, ये बहुत सिंपल ट्रिक है बट काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, और मैं इस ट्रिक को भाई हमेशा जब मेरा बाइसेप एक जगह पे आके स्टक हो जाता है, अभी मैंने अपना बाइसेप 15.5 किया है, स्टक हो गया था ये 15 पे आके, भाई बड़ी ठीक है, ये ट्राई करना भाई और कमेंट में आके बताना ज़रूर कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे भाई, दिल से अच्छा लगे मतलब सही रिजल्ट आए तुम्हें सही में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने किया हुआ है तो अपने दोस्तों से भी करवा देना, चैनल को ज़रा 2000 सब्स पहुँचवा दो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। इतनी वीडियो थी, मेक श्योर इतनी वीडियो थी, ट्राई करना भाई ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करना, बाइसेप ट्राइसेप अगर आप दोनों एक साथ करोगे तो ज़्यादा असर आएगा, लेग्स के बाद करना, नेक्स्ट आपका लेग्स का सेशन जब भी हो उसके बाद आप बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करना हार्ड। बाय।